Assalamu alaikum everyone. So today we are making kebab Koobideh. Koobideh is an Persian meat kebab made from ground lamb or beef and less commonly chicken. Traditionally the meat was placed on a flat stone, specifically a black flat stone, and smashed with a wooden mallet. We are making a fusion of kebab Koobideh. Aur uske liye hame chahiye 500 grams qeema. कीमे में 20% फैट यानी चिकनाई का होना ज़रूरी है, इससे आपके कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। कीमे को अच्छी तरह धोकर आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर यानी छलनी में रख दीजिए ताकि सारा एक्सेस वाटर निकल जाए। अब चॉपर में कीमा, एक बड़ी प्याज, एक चौथाई गड्डी हरा धनिया, चार से पाँच हरी मिर्चें, दो खाने के चमचे तली हुई प्याज, आधा चाय का चमचा भुना कुटा ज़ीरा, हसबे ज़ायका नमक, एक खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, एक खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, आधा खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चमचा पिसी हुई काली मिर्च, एक चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और एक खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके चॉपर को चलाइए। जब तमाम मसाले अच्छी तरह चॉप हो जाएं और कीमा इस शक्ल में आ जाए तो पहले से भिगोई हुई शाशले के स्टिक या स्क्यूअर्स पर कीमे को सीख कबाब की तरह लगा लीजिए। अब पैन में घी या ऑयल गर्म करके इसे शैलो फ्राई कर लीजिए। टिप नंबर वन ये है कि अगर कीमा अच्छी तरह चॉप ना हुआ हो और दानेदार हो तो बनाते वक्त इसमें आधा टेबल स्पून कचरी पाउडर शामिल कीजिए। कचरी पाउडर पहले से हरगिज़ शामिल ना कीजिए वरना कबाब सीखों पर नहीं संभलेंगे और बिखरने लगेंगे। दूसरी टिप ये है कि अगर कबाब किसी भी वजह से बिखर रहे हों तो उसमें हसबे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स शामिल करके मिक्स कर लीजिए। जब तमाम कबाब फ्राई हो जाएं तो उन्हें कोयले की धुनी देकर सर्व कीजिए। कोल स्मोक टेक्निक हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन्फो बटन पर शेयर कर दूंगी। इन कबाबों को सैफ्रन राइस, दाल चावल या पराठों के साथ सर्व किया जा सकता है। होप यू विल लाइक एंड एन्जॉय माई रेसिपी ऑफ केबॉब कोबीदे। फॉर मोर रेसिपीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।